नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल इडियट स्कूल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम चंद्रयान 1 के बारे में जाने थे, इस बार हम आपको चंद्रयान 2 के बारे में जितने भी क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में बताएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो चंद्रयान 2 जो है कब लॉन्च किया गया था, आपका चार ऑप्शन है, इसमें से बताइए कि कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर है आपका 22 जुलाई 2019। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है 22 जुलाई 2019। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन आपके चार हैं, GSLV Mark 3 Mark 1, PSLV C11 और PSLV C51। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका, इसमें सही आंसर है वो आपका GSLV M3 Mark 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 कहाँ लैंड करना था? तो चंद्रयान 2 जो है जहाँ लैंड करना था उसका क्या नाम है? ठीक है, तो वो किस जगह पर लैंड करना था चंद्रमा के? तो वो है आपका सही आंसर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है चंद्रयान 2 को लैंड करना था, जो कि वहाँ पे नहीं हो पाया, वो क्रैश हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 के रॉकेट में कौन सा ईंधन का इस्तेमाल किया गया था? सही आंसर इसमें क्या होगा? इसका सही आंसर होगा UDMH। ठीक है, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजीन। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका बी है, UDMH। अगला प्रश्न है, ये नोट्स है आपका चंद्रयान 2 से संबंधित, लॉन्च कब किया गया था? 22 जुलाई 2019 को 2:43 PM पर। और किस अंतरिक्ष केंद्र से इसका लॉन्चिंग हुआ था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो ये जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से जो है ये चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था। अक्सर जितने भी भारतीय जो भी हैं लॉन्चिंग, वो सारा का सारा लगभग सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही लॉन्चिंग होता है। ठीक है, इसमें जो है लैंडिंग पॉइंट क्या था? लैंडिंग पॉइंट आपका था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, जो कि वहाँ पे लैंड करने से पहले ही वो क्रैश हो गया था। ठीक है, लेकिन फिर भी भारत ने काफ़ी कोशिश किया कि जो है दक्षिणी ध्रुव पर उसको लैंड कराया जा सके, जो कि चंद्रयान 3 के लिए लैंड हुआ था, सफल आनावरण हुआ था उसका। तो हम जब चंद्रयान 3 पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि कैसे वो लैंड किया था और कब लैंड किया था। ठीक है, इसमें हम चंद्रयान 2 के लिए पढ़ रहे हैं, तो पहले हम चंद्रयान 2 पे फोकस करें। कुल लागत इसका जो है 978 करोड़ था। ठीक है, टोटल लागत इसका 978 करोड़ था। ठीक है, ईंधन का प्रयोग जो है UDMH अभी पिछले ऑब्जेक्टिव में भी हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो लॉन्चिंग जो है इसका क्या है, 2379 किलोग्राम का था इसका लॉन्चिंग वजन। टोटल वेट इसका था 2379 किलोग्राम। इसरो द्वारा इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। किसने इसको, चंद्रयान 2 को किसने बनाया है? तो इसरो ने बनाया है। ठीक है, रॉकेट जो है कौन सा यूज किया गया है, GSLV Mark 3 Mark 1। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 3। ठीक है, लैंडर जो है को क्या कहते हैं हम, विक्रम कहते हैं, ये भी पूछा जाता है लैंडर को क्या कहते हैं और रोवर को क्या कहते हैं। तो रोवर को हम प्रज्ञान कहते हैं और लैंडर को विक्रम कहते हैं। संपर्क का टूटना, मतलब चंद्रयान 2 जब क्रैश हुआ था तो कब, कितने पहले ही वो क्रैश हो गया था, तो 2.1 किलोमीटर मून के सतह से, चांद के सतह से लगभग 2.1 किलोमीटर पहले ही उसका संपर्क टूट गया और वो जा करके टकरा गया चांद के सतह से। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रयान 2 को किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो संस्था का नाम क्या है आपका, है इसरो। ठीक है, इसरो द्वारा ये लॉन्च किया गया था, तो तीसरा नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें कुछ और नोट्स हैं, कौन सा मून मिशन था? ये भारत का दूसरा मून मिशन था। ठीक है,
जो चंद्रयान टू था वो भारत का दूसरा मून मिशन था, जिस बिंदु से टकराया था उसको कहते हैं हम तिरंगा पॉइंट, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, तिरंगा पॉइंट। महत्वपूर्ण कार्य क्या थे इसके, चंद्र सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग व रोबोटिक रोवर संचालित करने की क्षमता प्रदर्शित करना, ठीक है। तो इसका महत्वपूर्ण कार्य था सॉफ्ट लैंडिंग प्लस रोबोटिक रोवर संचालित करने की क्षमता को प्रदर्शित करना था, ठीक है। लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो वो अध्यक्ष थे के सीवन, ठीक है। मिशन अवधि जो रही इसकी वो एक वर्ष की रही थी, ठीक है, ऑर्बिटर की, और विक्रम लैंडर की 15 दिन के आसपास, और प्रज्ञान रोवर की भी 15 दिन के आसपास, ठीक। मिशन में एक ऑर्बिटर और एक लैंडर और एक रोवर भेजा गया था, ठीक है, एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर, जिसमें कितने पहिए थे, 6 पहिए का यूज किया गया था, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट नोट्स है, आप इसको कहीं अपने कॉपी में नोट करके फिर दोबारा आप रिविजन इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है आपका, यह है आपका सही आंसर बेंगलुरु, बेंगलुरु जो है इसरो का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है चंद्रयान टू को कहाँ से लॉन्च किया गया था, सही आंसर आपका क्या होगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, चंद्रयान टू को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था, ठीक है, आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंद्रयान मिशन टू के महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, चार ऑप्शन आपके हैं, रितु करिधल, एम वनीता, शीला रमन और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एम वनीता, जो कि चंद्रयान टू में तो रहे लेकिन चंद्रयान थ्री में इनको वहां से हटा दिया गया था उस पद से, ठीक है, तो वो रितु करिधल फिर बनी थी, ठीक है। तो अभी इसमें जो है चंद्रयान टू के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है वो एम वनीता थी, ठीक है। अगला प्रश्न है चंद्रयान मिशन टू के महिला मिशन डायरेक्टर कौन थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, रितु करिधल, ठीक है, चंद्रयान टू के महिला मिशन डायरेक्टर कौन थी, वो थी रितु करिधल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चंद्रयान मिशन टू भारत के लिए कौन सा मिशन था, तो चंद्रयान टू जो है भारत का दूसरा मून मिशन था, ठीक है, आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंद्रयान मिशन टू का हिस्सा है, तो चंद्रयान मिशन टू का कौन कौन सा हिस्सा है, तो ऑप्शन आपका है ऑर्बिटर और रोवर, ऑर्बिटर लैंडर और रोवर, या केवल रोवर या केवल ऑर्बिटर, तो इसके आंसर जो होंगे ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, वो तीनों भेजे गए थे, ठीक है, तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंद्रयान मिशन टू में लैंडर का क्या नाम रखा गया था, तो लैंडर का जो नाम रखा गया था उसका नाम क्या है, तो सही आंसर आपका क्या होगा, विक्रम, ठीक है, विक्रम को, ठीक है, विक्रम लैंडर को जो है विक्रम कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा आपका विक्रम, यानी कि लैंडर को हम क्या कहते हैं, विक्रम कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चंद्रयान मिशन टू में रोवर का क्या नाम रखा गया था, ठीक है, तो रोवर का क्या नाम रखा गया था, तो रोवर को हम क्या कहते हैं, प्रज्ञान, ठीक है, तो ऑप्शन आपका सही होगा ए ऑप्शन, प्रज्ञान। अगला क्वेश्चन है किस देश के चंद्रयान मिशन वेरेसिट असफल हो गया था, तो वो कौन सा देश था जिसका चंद्रयान मिशन वेरेसिट, जो वेरेसिट जो नाम है वो असफल हो गया था, तो उसका सही आंसर क्या होगा, इजराइल, इजराइल का जो है वेरेसिट जो है असफल हो गया था, जो चंद्रयान पे भेजा गया था उनके द्वारा, तो वो असफल हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितनी है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, 1/6 जो है गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा वहां पे जो है चंद्रमा पर 1/6 है, ठीक है।
तो यहाँ से वहाँ पे क्या होता है, वस्तुएं कुछ हल्की दिखाई देती हैं, ठीक है। जो यहाँ जो जितना वजन होगा वहाँ पे जाने के बाद भार जो है कुछ कम हो जाता है, वेट, मास कम नहीं होता है, वेट कम हो जाता है, ठीक है। आदमी जो है वहाँ पे हल्का अपने आप को महसूस करने लगेगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था? तो चांद पे जो पहला व्यक्ति गया था उसका क्या नाम है? उसका सही जवाब है आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। सी आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। ये इतने सवाल हैं जो चंद्रयान 2 से रिलेटेड हैं, ठीक है। इतने सवाल अगर आप कवर कर लेते हैं तो एक दो सवाल जो है एग्ज़ाम में आप बना पाएंगे, ठीक है। तो इतने सवाल को जो है आप अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिए और उसके बाद जो है उसको बार बार दोहरा लीजिएगा, तो आपको याद भी हो जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे चंद्रयान 3 से रिलेटेड, ठीक है। तो आप चंद्रयान 3 भी कवर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।